आजकल गर्मियां पड़ रही हैं और गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा और टेस्टी पीने का मन करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम गन्ने का शरबत बनाएं। और आप सोचने लगे होंगे कि गन्ने का शरबत तो गन्ने के रस से बनता है और गन्ने का रस तो हर किसी के घर में होता नहीं है, तो अब हम उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गुड़ भी गन्ने के रस से ही बनता है और उससे हम शरबत बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि हम गन्ने के रस से बनाते हैं। और ये शरबत भी पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर को तो ठंडक देता ही है और पेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और गुड़ तो सभी के घरों में होता ही है। चलिए शरबत बनाना शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए ये हमने 150 ग्राम गुड़ लिया है। सबसे पहले हम गुड़ को ग्रेट करेंगे। हमें गुड़ को इस तरीके से ग्रेट करना है जिससे हमें गुड़ को मेल्ट करने में आसानी रहेगी। आप चाहे तो इस गुड़ को छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं। हम इस तरीके से गुड़ को ग्रेट करते हैं तो शरबत बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। ये हमने सभी गुड़ को ग्रेट कर लिया है। चलिए शरबत बना लेते हैं। शरबत बनाने के लिए ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब जो हमने गुड़ ग्रेट किया था वो उसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास ठंडा पानी डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते हैं। इसे हमें पीसने में आसानी रहेगी। ये हमने 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए, इसे भी छोटे पीस में काट लिया है वो भी डाल देते हैं। इससे शरबत में खुशबू अच्छी आएगी। ये हमने 2 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है वो डाल देते हैं। इससे शरबत में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, उसकी वजह से ये पीने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप काले नमक का इस्तेमाल जरूर करें। 1/2 टीस्पून सफेद नमक, ये वही वाला नमक है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और शरीर को भी ठंडक देती है। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से पीस गई हैं। अब हम शरबत को छान लेते हैं। अब जो इसके ऊपर मोटा पोर्शन रह गया है अब हम इसे फेंक देंगे। अब हम इसके अंदर 2 गिलास ठंडा पानी और डाल देते हैं। अब ये ठंडा ठंडा गन्ने का शरबत बनके तैयार हो गया है। आप देख पा रहे कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम शरबत को सर्व कर लेते हैं। अब हम ग्लास में आइस डाल देते हैं। आपको जितना ठंडा शरबत पीना है उतनी आइस डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर नींबू की स्लाइस डाल देते हैं। अब जो हमने गुड़ का शरबत बनाया था वो डाल देते हैं। इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के फ्रेश पत्ते डाल देते हैं। इसे शरबत पीने में टेस्टी लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। अब ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग गुड़ का शरबत बनके तैयार हो गया है। ये शरबत पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इस शरबत को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये शरबत बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।